दोस्तों, रियलमी एक्स के बाद अब रियलमी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि रियलमी 4 प्रो होने वाला है इंडिया में इसका नाम। और इस स्मार्टफोन की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन बाहर आ गई है और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच की फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि गॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आएगी। साथ ही में आपको डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर वही बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं तो स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलने वाली है रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन जैसे ही। और यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिपल रियर कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा। सेकेंडरी 30 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन रेडमी के K20 को टक्कर देने के लिए रियलमी ने डिजाइन किया है। और इस स्मार्टफोन की सेलिंग पॉइंट देखा जाए तो यही हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 730G का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है क्वालकॉम की तरफ से। साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन GPU भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस कर देगी। आपको इस स्मार्टफोन में गेमिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं रहने वाली है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिल सकती है वो होगा इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक 6th जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि रेडमी के K20 को टक्कर देने के लिए रियलमी ने डिजाइन किया है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि वूक के फ्लैश चार्ज के साथ आएगी। और आपको यहाँ पर वूक के 3.0 का फ्लैश चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसी में आपको बॉक्स के अंदर ही फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि 50% से ज्यादा 30 मिनट के अंदर ही चार्ज कर देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकती है, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग हो सकती है 16,000 rupees के करीबन। और यहाँ पर आपको हायर वर्जन देखने को मिलेगी 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है 18,000 से 19,000 rupees के करीबन। अगर इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इवेंट की बात की जाए, तो ये स्मार्टफोन रेडमी के K20 के लॉन्चिंग इवेंट के बाद रखी जाएगी इंडिया में। और मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन को आपको अगस्त से सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है इंडिया में। सो क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनल दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।